सुखबीर सिंह बादल है, मैं तेनू याद करा तेरे प्यो ने तो साड़ी कौम नू हराउण दी कोई कसर नहीं छड़ी। कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टा कि तुहानू बड़ी शर्म आ रही सी कि अज ये शब्द जिहड़े ने वो चन्नी दे उत्ते जां सुखी रंधावा दे उत्ते नहीं टुकदे। 2007 स्वांग वाले मसले चों सौदा साध नू बचाया, सुखबीर बादल जवाब देगा कि तेरे प्यो ने नहीं बचाया, तुसी नहीं बचाया। जिहड़ियां बीबियां माता भाग कौर दियां वारस ने कि वह भिखारी ने जिहड़ियां एक महीने बाद 1000 रुपया उड़ीकणगियां। कई लोग इहदा गलत फायदा भी चक रहे ने, बाहरों फंडिंग वगैरह भी बथेरी हो रही है, सोडे अर्गियां ते भी बड़े सवाल किंतु परंतु उठते ने। इन्हां दी तां जारी है पक्की बीजेपी नाल अज भी, मैं प्रूफ यह देना चाहुंदा। साडी डिबेट कराओ बीबी जंगीर कौर नाल, जे असीं झूठे हां सानू पंथक रवायतां मुताबक सज़ा दिओ, नहीं बीबी जंगीर कौर नूं दिओ। सुखजिंदर सिंह रंधावा कहिंदा सी जे मेरे कोल कमांड हुंदी मैं कंध टप के समेत सैनी नूं फड़ लिआउंदा। दोषी तो पुछ गिछ होण दे लई 6 साल 1 महीना लगता है, फिर इंसाफ तो सानू 60 साल बाद मिलेगा। बादलों की अमरबेल शाही हुई है गुरु घर से, यह जी असी कट के परे सुटांगे। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो RMP टैलीविजन, मैं रतनदीप सिंह धालीवाल। पंजाब की जे असी सियासत की गल करते हैं, पंजाब विधानसभा इलैक्शन सिर ते आ चुके हैं, पर जे दूजे पासे असी देखते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार बनती है उदो एक वादा किया जाता भी बेअदबी के दोषियों असी सलाखा पिछे सिटांगे, नशे का लक तोड़ांगे, होर भी बड़े सारे जिहड़े चोण मैनूफेस्टो दे विच वादे किए जाते हैं। पर समा बदलिया, 4.5 साल निकले, पंजाब के मुख्यमंत्री भी बदले। जे हुण दी असी गल करदे आ धड़ाधड़ जिहड़े ऐलान ने ओ हो रहे ने, पर जे असी बगराड़ी की गल करते हैं, बहबल कला गोलीकांड की गल करते हैं, कोटकपुरा गोलीकांड की गल करते हैं, उहदा इंसाफ कित्थे आ? उस इंसाफ की मंग कर रही गियां समूह सिख संगतां, ते उसनू लैके अज बगराड़ी दे विच इक वड्डा इकट्ठ रख्या गया है। साडे नाल कथावाचक हरजिंदर सिंह मांझी होणगे, इन्हां नू पुछदे आ वी सियासत दे नाम ते सिर्फ रोटियां ही पक रही गियां जां वाकया दे विच सरकार गंभीर आ? मांझी जी स्वागत आ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी जी मांझी जी, की लगदा रोटियां पक रही गियां कि सरकार गंभीर आ, हो की रहा? देखो, गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की बेअदबी के मसले के उत्ते जो कैप्टन अमरिंदर सिंह नलैकी कर रहा सीगा, उस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा ये कहिंदा सी कि बेअदबी का इंसाफ जिहड़ा कोई बहुता औखा काम नहीं, ये तो सिर्फ 3 दिन चाहिए आ, 3 दिनों के मसला हल हो सकता है। और जदों समेत सैनी के घरों पुलिस मुड़ के आई आ, उस वक्त सुखजिंदर सिंह रंधावा कहिंदा सी जे मेरे को कमांड होंदी मैं कंध टप के समेत सैनी नूं फड़ लिआउंदा। तो मैं आप जी के माध्यम राही पहला तो सुखी रंधावे नूं यह कहना चाहुंदा कि अज तुहाडे कोले गृह मंत्रालय है, जदों उत्थे जाके साडे वीरां ने तुहाडे दरवाजे अगे ये पढ़िया सी भाई गुरदास जी का बचन, तुसीं कहिंदे वी रहिंदे हो अक्सर अपने अपने विचारां दे विच, कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टा, कि तुहानूं बड़ी शर्म आ रही सी कि अज ये शब्द जिहड़े ने वो चन्नी दे उत्ते जां सुखी रंधावा दे उत्ते नहीं टुकदे। अज भी तां टुकदे आ कि तुसीं सिर्फ ते सिर्फ बेअदबी याद करवा के वोटां लैण वाले पासे तुरे होए हो, कोई इंसाफ दा मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। सो इसलिए सिख संगतां जिहड़ियां वार वार वक्खो वक्खरे तरीकियां नाल जिहड़ियां ने वो अपने आप भावनावां दा जिहड़ा प्रगटावा करदियां जी। जी, तुहानूं लगदा गा वी जिहड़े दिन थोड़े रह गए, चोण जाबता भी लगन वाला गा, भी कुछ होगा कि वाकई दे विच इह जिवें होर लोग भी कह रहे ने भी इहनूं चोणां दे लई इक चोण मुद्दा बण के रह गई ये चीज़? देखो, बड़ी स्पष्ट गल है हुण तक जिवें चल रहा है, तुसीं देखो सिट जिहड़ी आ बच्चा बच्चा जाणदा बेअदबी घटनाक्रम दा मास्टरमाइंड गुरमीत राम रहीम आ, पर सिट उहनूं पुछगिछ करन दे लई 6 साल 1 महीने बाद जांदी आ। तो मैनूं लगदा जे दोषी तो पुछगिछ होण दे लई 6 साल 1 महीना लगता है, फिर इंसाफ तो सानू 60 साल बाद मिलेगा। सो इस करके ये बहुत खतरनाक माहौल है जी साड़ी कौम दे लई, ते मतलब लगता नहीं कोई इंसाफ मिलेगा जी। जे असी मुख्यमंत्री चन्नी की गल करते हैं, धड़ाधड़ ऐलान हो रहे हैं, खास करके जे अकाली दल की गल करते हैं, मजीठिया साहब तो उन्होंने ऐलान मंत्री भी कहन लग गए, तुहानूं लगदा गा भी चन्नी साहब इस मसले नूं लैके गंभीर होणगे? एक पासे तुसीं गृह मंत्री की गल कर रहे हो, भी नवें मुख्यमंत्री तो उम्मीद हैगी है?
देखो भावें चन्नी साहब ने भावें पहला कैप्टन सी भावें बादल ने उस तो पहला बरनाला रहा। मैं समुचे रूप से कहना चाहना आप जी के माध्यम राही पंजाब की जनता नू आवाम नू कि पंजाब की लाणेदारी असी नलायक लीडर दिती हुई आ जेड़े पंजाब नू ते पंथ नू वेच के खा गए जिन्हां जिन्हां ने मतलब सारा कुछ अंदरों ही तबाह होए हुए बंदे ने इन्हां दे वीक पॉइंट सारे सेंटर नू पता है ये पंथ ते पंजाब दे लई कुछ नहीं कर सकते। इहदे लई सानू जिन्ने भी बादल दे एंटी ने गुरु घरां चों जिहड़ा आज़ाद करवाउणा गुरु घरां नू बादलां तों उहदे लई अज मैं इत्थे भावें जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने इकट्ठ रख्या इस लई मैं बेनती करके गया भी जिन्ने भी ग्रुप बादल एंटी ने उन्हां सारियां नू एक मुठ एक स्टे प्लेटफार्म ते आउणा पऊगा फिर ही असी यह जिहड़ी बादलों की अमरबेल शाही हुई है गुरु घरां ते ये जिहड़ी ओह असी कट के परे सुट्टांगे। बाकी जिहड़ा चन्नी है वह बिल्कुल ठीक है जी, वह ऐलान ऐलान ही हो रहे ने ते मैं समझदा साडे लोकां नू समझना चाहीदा कि असी कोई भिखारी नहीं हैगे, इत्थों दीआं पार्टियां सानू भिखारी समझ रहीआं ने, ये कम नहीं दे रहे, कणक दे रहे ने, नौकरी नहीं दे रहे, नशा दे रहे ने, हुण किवें जिहा 1000 रुपया बीबियां नू चाहीदा कि जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह ने कौर दा खिताब महाराज ने बख्शिया साडियां मावां नू भैणां नू जिहड़ियां बीबियां माता भाग कौर दीआं वारस ने कि वह भिखारी ने जिहड़ियां 1 महीने बाद 1000 रुपया उड़ीकणगीआं। सो सानू अपने आप नू समझण दी लोड़ है कि गुरु ने सानू की बनाया, सिख हमेशा बंडदा मंगदा नहीं, सानू रुजगार चाहीदा, ये सुख सहूलतां दित्ता सिखां ने लंगर लाते वर्दियां गोलियां च वेखो कि खालसा एड वाले किवें प्रशादा पानी छकाउंदे आ। सो ये जिहड़ियां ये सानू मंगतियां दी तरह बिहेव कर रहे हैं, मैं आप जी दे माध्यम राही दसना चाहुंदा कि वर्ल्ड पद्धर ते ये सारी खेड खेडी जा रही है। जे आपां इन्हां दीआं छोटी छोटीआं गल्लां दे विच आवांगे तां एक दिन वह आजूगा जदों पंजाब दे विच मंगतियां दे विच असीं शामिल हो जाएंगे। मैं फॉरन कंट्रियां दी तुहानूं उदाहरण देनी चाहुंदा, अमेरिका चले जाओ, कनेडा चले जाओ, जिथे मर्जी चले जाओ, उत्थे जिहड़े मंगतियां दी फौज है ना जिहड़ी मंगते ने 80% जिहड़े ने उत्थों दे मूल वसिंदे ने जिन्हां नूं रैड इंडियन कहिंदे ने। इस तरह न्यूजीलैंड दे विच मौरी उन्हां दी हालत बड़ी तरसयोग है, उन्हां दी एवरेज उम्र दूजे लोकां नालों घट आ। उहदा कारण इह है कि उत्थों दीआं हुकूमतां ने भी उन्हां नूं जिहड़े मूल वसिंदे सी रुजगार दी थां ते उन्हां नूं नशा ते खाण पीण नूं खुल्ला करता। सो इह सानूं बहुत प्लैनिंग दे तहत इह पुठे पासे तोरिया जा रिहा जिहदे तों तुरंत सानूं बचण दी लोड़ है जी। श्रोमणी अकाली दल बादल की गल आउंदी आ, सुखबीर सिंह बादल दीआं जिहड़ियां इंटरव्यूज़ भी चल रही, हालांकि वह पहला भी स्टेजां तों कहिंदे आ रहे आ, वह कहिंदे भी जिन्हें बेअदबी की उहदा कख ना रहे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਕੱਖ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2007 ਸਵਾਂਗ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ? 2014 'ਚ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, 2014 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਮਰਾਤੀਆਂ। ਸੁਖਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਯਾਦ ਕਰ, ਜਦੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ 80+ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਡਮ ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲੋਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਰਾਮਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੱਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਲਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਣਨ ਦਾ ਜੀ।
एक मंजी जी ये भी एजेंडा भी पिछली सरकार च बेअदबियां होना ये सरकार भी बड़िया बेअदबियां होना तो पिंडां दे लागे भी बेअदबी हुई आ पर तुहानू लगता भी दोनों ही सरकार चाहे वह अकाली दल की पहला रही होवे हुण कांग्रेस की आ दोनों ही संजीदा नहीं इस मसले के उत्ते वाकया दे विच संजीदा हैगियां कुछ निकल नहीं रहा दोए सरकारां महानलायक ने जी गल ये है कि यह शुरुआत जी 1986 दे विच नकोदर कांड होया सारा चलता रहिंदा ये बहुत मतलब कह लो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोती महल तो 12 किलोमीटर दूर है कल्याण पिंड उत्थों इतिहासिक सफरी चुरू सरूप चुकया गया भी अजे तक पता नहीं लग्या सो ये सीरीयस नहीं है बेअदबी के मसले पर बस जदों भी कोई मसला हुंदा उन्हें एक बार रफा दफा करन दा जतन किया जाता है बिल्कुल उस तर्ज से जिमें कांग्रेस कहती है इन्हों का अकालिया का एक लीडर मैनू किसी डिबेट के कहता सी कि अरदास पढ़द देख के अंडिट किया कांग्रेस कहती है कि 1984 अंडिट कर दो बादल के कहें बेअदबियों अंडिट कर दो सो सिख कदे भुलणगे नहीं ये जिहड़े जालम ने कूड़न खुट्टे नानका ओड़क सच रही एक दिन जिहड़ा इन्हू इना सारा होगा हाल माड़ा होना ही होना जी एक जे तुहाडी गल आउंदी है तुसी कथावाचक हो जां होर भी जिहड़े बुलारे बोलदे ने उन्हां लई SGPC दे जिहड़े प्रधान ने बीबी जंगीर कौर मैं पिछले दिन मुलाकात भी हुई सी वह भी कहिंदे ने भी सारा ड्रामा हुंदा गा इह इदां दी कोई गल नहीं तुसी की कहना चाहोगे देखो बीबी जंगीर कौर नूं मैं चार सवाल पुछे उन्हें कहा कि मैं तुहानूं लिखती जवाब भेजांगी लिखती जवाब भेजण दी थां ते अकाल तख्त साहिब दी सकत्तरेत ते खड़दी है कह कहिंदी आ वी माझी साझी वर्गे यही बेअदबी कराउंदे सीगे असल और मैं तुहानूं दसणा चाहुंदा कि हुण भी अज भी सुखबीर बादल पूरी प्लैनिंग के तहत जिमें 2015 साढ़े बेकसूर सिख नौजवानों दोषी ठहराते अज भी उस तर्ज के उत्ते सुखबीर चल रहा इन्होंने हुण एक नवी खेड खेडी है मैनू सारा पता लग चुकिया कि इन्होंने एक इस तरह की कमेटी बनाई है जिदे ते मेरे ते बाई ने कि मैं अरदास की बेअदबी करती ये नवे जिहड़े जाल ने साढ़े वास्ते सुखबीर बादल बीबी जंगीर कौर बुन रहे हैं पर सानू अपने गुरु ते बहुत बड़ा भरोसा गुरु रहमत करूगा इन्हों का कख नहीं इन्हों की पेश नहीं कोई चलनी तो जो मर्जी पापड़ बेल लैन असी ज्ञानी हरप्रीत सिंह उत्थे पत्र दे के आए हैं कि साड़ी डिबेट कराओ बीबी जंगीर कौर नाल जे असी झूठे हाँ सानू पंथक रवायतों मुताबक सज़ा दिओ नहीं बीबी जंगीर कौर नूं दिओ सो इन्हां च कोई दम नहीं है बंदे झूठे है जी ये एक झूठ नूं 100 वारी बोल के सच लोगों सामने पेश करना चाहते हैं पर इदां चलना नहीं साड़ी संगत बहुत सुचेत है जी कुछ लोग मांझी जी ये भी कहते हैं भी बेअदबी हुई आ बेअदबी के दोषियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए आ पर कई लोग इहदा गलत फायदा भी चक रहे हैं बाहरों फंडिंग वगैरह भी बथेरी हो रही है सोडे अर्गियां ते भी बड़े सवाल किंतु परंतु उठते हैं उसनों लैके की कहना चाहूँ देखो जेडे फंडिंग इस तरह के करते हैं वो बिल्कुल गलत है उसकी छानबीन होनी चाहिए आ और मैं आप जी के माध्यम राही खुला चैलेंज गुरु ते भरोसा रख के कहना कि कोई सिंगल बंदा भी जेड़ा हैगा वो मतलब दस देवे कि असी जेड़ा फंड इन्हां नूं इस अकाउंट दे विच ऐदां पवाया सीगा जेड़ा इन्हां ने निजी हितां लई वरत लिया सो ये तो खुला चैलेंज है जी मतलब सारा कुछ जेड़ा हैगा जे इस तरह का कुछ हुंदा है तो बहुत यतन करते रहिंदे ने झूठियां गल्लां बना बना के पेश करन दा सो कोई भी प्रूफ होवे असी मतलब तैयार हाँ सामना करन लई जी जे आने वाले दिनों की आप गल करते हैं 15 दिसंबर के या 20 दिसंबर के लागे तक कहते चोण जाबता भी शायद लग रहे पंजाब दे विच तुहानू की लगता गा इस मसले नूं लैके कोई पक्का मोर्चा लगन वाला अज इकट्ठ किया गया वा की मनोरथ आ कुछ कर रही तुहाडियां जथेबंदियां जां खास करके मान दल दी जे असी गल करदे आ देखो जिहड़े असी अज तां इह है वी इत्थे इकट्ठ रख्या सिमरनजीत सिंह मान ने रख्या है इकट्ठ ये मेरा इन्ना क मकसद से मैनू सुनेहा मिलिया कि मैं घट्टो घट जिन्ने बादल दे एंटी ग्रुप ने उन्होंने को जाव हथ बन के इतने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है जिते गुरु का प्रकाश है उत्थे असीं जा सकते हैं मैं नाल ये भी तुहाडे माध्यम राही कहना कि जे कांग्रेस विच सच सुनन दी हिम्मत है मैनू स्टेज से सद लैण मैं उत्थे भी वग जूंगा मैं मेरा कोई पार्टी नाल मसला नहीं है जे बादल के उन्हां च हिम्मत हैगी आ सुखबीर च कि वो ये ना भुलेखा खान में कि मान दें स्टेज पर वग गया मैं सुखबीर बादल की स्टेज पर भी वग जूँ पर वो सच सुन का जो मादा रखते हैं बस मैनू सुनेहा भेजन जे उन्होंने बुलाया जा बड़ोंगे बिल्कुल जी बिल्कुल मैं जाके ठोक के सच की गल करूँ जिवें जंगीर कौर के मूँह से खरिया खरिया सुनाइया सगिया जब भविख सुना क्योंकि साड़ी कोई औकात नहीं गुरु नानक साहब ने बाबर वो मूँह से जाबर कह के साडे च स्पिरिट भरी हुई है जे सच सुन का हैगा मादा जिहड़ी भी पार्टी जाओ सदूगी उत्थे असीं जावांगे कोई पक्का
मोर्चा भी लग सकता है। यह भविख सारिया जथेबंदियां रल मिलकर ही जिहड़ा फैसला करनगे। जी धन्यवाद जी। सो यह हरजिंदर सिंह माझी जी बगराड़ी की असी गल करते हैं। बगराड़ी 2015 तो लैके ही उदों का जदों का बेअदबी हुई है उदू बाद धरना लगता गा, बड़ा कुछ हुंदा गा। सियासत के नाम के उत्ते जे असी गल करते हैं भी इन्हां लोगों का तो यही कहना भी रोटियां ही सेकियां जा रही, चाहे सरकार बदल गई चाहे मुख्यमंत्री बदल गए, पर आने वाले दिनों के जिमें खास करके बहवल कलां गोलीकांड को लैके ज कोटकपुरा गोलीकांड को लैके हो सकता भी कोई बड़ा फैसला लै सकती है सरकार, जां कुछ होगा आने वाले दिनों में दुध का दुध तो पानी का पानी होगा। तो खास करके इधरले पास्यों जो मान दल की गल करते हैं, सिमरनजीत सिंह मान की गल करते हैं भी कोई धरना मगराड़ी ला सकते हैं, बहवल कलां ला सकते हैं, कि हो सकता भी आने वाले दिनों में क्लीयर होगा। असं इस मुद्दे के नाल बने रहेंगे। हुण अपने दोस्त रतनदीप सिंह तालीवाल नूं इजाजत, देखते रहो आर एम बी टैलीविजन। धन्यवाद जी।